अब देखिए, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। इधर मैं लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन को हटा के, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। प्लेस मिक्स लिख देती हूँ। प्लेस मिक्स, ठीक है ना? ओ प्लीज, अब देखिए, प्रोडक्ट मिक्स में मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिजाइन, स्टाइल, साइज, क्वालिटी, कलर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज। देखिए, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो चीज होती है जो कि हम कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है, जो हम सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स। तो हमें अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, पहली बात तो एक होती है। तो इसमें कौन कौन सी फीचर्स पे जोर दिया जाता है कि प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे, मतलब जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट करते हैं, फीचर्स देते हैं, वैरायटी डिसाइड करते हैं, पैकेजिंग पे फोकस करते हैं, ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, लेबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको समझा रखा है डे वन की क्लास में, ग्रेडिंग को भी हम देखते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज की हम इस प्रोडक्ट के साथ कौन से सेल सर्विसेज देंगे, गारंटी वारंटी हम क्या क्या देंगे। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स में क्या आता है आपका? आफ्टर सेल सर्विसेज एंड गारंटी वारंटी। टेंजिबल एट्रीब्यूट्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग। टेंजिबल का क्या मतलब होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ हाँ सॉरी, टेंजिबल हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल में ये होता है कि हम देख नहीं सकते और हम उसको टच भी नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटी वारंटी, ये आपके इनटेंजिबल फीचर्स है। तो आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो हम इसमें क्या क्या, कौन कौन सी एक्टिविटीज, एक तरह से बोली जाए कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, जिससे, और हम फोकस करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना पाए। फिर होता है आपका प्राइस। अब हमें प्राइस डिसाइड करना है और हमें ऐसा प्राइस रखना है जिससे हमें भी ना नुकसान हो और कस्टमर भी इजिली उसको ले पाए। तो यहाँ पे हम पहले तो डिसाइड करते हैं प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। प्राइस पॉलिसीज होती हैं बहुत सारी, डिस्काउंट पॉलिसीज होती हैं, पेमेंट पीरियड होता है, क्रेडिट टर्म्स होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट होती है, रिसेल्स प्राइस मेंटेनेंस, रिसेल प्राइस मेंटेनेंस, आरपीएम जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं जो प्रिंट रेट है उसके हिसाब से जो हम प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे प्रमोशन का मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना जिससे उसकी सेल्स बढ़े। तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती है? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल कंटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, रिटेलिंग, एग्जीबिशन। प्लेस मिक्स में मैंने आपको पहले समझा दिया, प्लेस मतलब कि हम अपने गुड्स को कैसे हम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज लगेंगी यहाँ पे कि जिससे हम अब अपने गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, प्लस आपके लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? मैंने बताया था वो एक्टिविटीज जो कि स्टार्ट होती हैं जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और एंड कब होती है? जब हम उस प्रोडक्ट को, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो कस्टमर तक हम पहुंचा देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है, लॉजिस्टिक्स की एक्टिविटीज में बता रही हूँ। अभी मैं आपको छोटा छोटा ओवरव्यू दे रही हूँ पूरे चैप्टर्स इसके, तो अभी मैं ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ा नहीं रही हूँ उसको, क्योंकि अभी हमें आगे भी कई सारी चीजें पढ़नी है। कौन से होते हैं लॉजिस्टिक के पार्ट? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा आपका, वेयर हाउसिंग हो जाएगा, इन्वेंट्री लेवल हो जाएगा, और आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी सारी चीजें। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ लिख नहीं रही हूँ, तो मैंने आपको बोल के बता दिया तो आप समझ भी जाओगे इतना तो, ठीक है। फिर होता है कि कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन सब चीजों को अफेक्ट करेंगे, मीन्स जो हमने मार्केटिंग मिक्स, जो हमारी जो पॉलिसीज हैं, ये हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं मार्केट में,
कुछ हमारे कंपनी में भी होते हैं जो कि प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं हमारे, जो हमने प्रोडक्ट का डिसीजन लिया है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का ये मतलब है कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं या बहुत सारे डिसीजन हमने लिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। तो कुछ एक्टिविटीज या कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, हर चीज को कुछ ना कुछ अफेक्ट करता है। तो हमें उन, देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम कंट्रोल कर लेते हैं कि जिससे वो हमारे इस पूरे डिसीजन को, इस पूरे मिक्स को अफेक्ट ना करें ज्यादा। और कुछ होता है अनकंट्रोलेबल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखो, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन बस ये है कि हम टाइम टू टाइम अपनी चीजों को चेक करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू आर जो इन्वायरमेंट होता है। और अगर हमें लगता है कि ये चीज, कोई भी चीज हमारे फैक्टर को अफेक्ट करेगी, तो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, मतलब वो चेंज होता रहता है। तो उस वजह से हमें अपने ये इन सब डिसीजन में भी कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ता है। अगर आप इन सब चीजों में चेंज नहीं लाओगे, वही पुराना चीजें आपकी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और आप क्या कर रहे हो, वही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। अब मार्केट में अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन आप अपने जो प्रोडक्ट है वो पुरानी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या आपके प्रोडक्ट बिकेंगे, नहीं बिकेंगे ना। तो आपको अपने ये सारे डिसीजन एडजस्ट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड टेक्नोलॉजी। तो यही है, अब हम इसके यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ। आई होप जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे होता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका अनकंट्रोलेबल, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके हिसाब से हम एडजस्ट खुद को कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारा किसी चीज पे ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसान का, देखो वैसे तो हर चीज पे कंट्रोल होता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से हम खुद को एडजस्ट कर लें। मतलब देखो, हर चीज हमारे चाहने से या हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तो हमें क्या करना होता है उस टाइम पे कि जैसे इन्वायरमेंट में हो रहा है, जैसे चल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। तो अनकंट्रोलेबल में भी यही है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हो रहा है उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, और यहाँ पे कंट्रोलेबल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में है। कंट्रोलेबल, इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप भी रिलेट कर पाओगे। देखो, कंट्रोलेबल का एग्जांपल देती हूँ। देखो, हमारी सोच, कभी कभार क्या होता है ना कि हम नेगेटिव कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं, तो क्या वो नेगेटिव सोच हम, क्या हमारे वो हाथ में कि हम उस नेगेटिव सोच को हटा सकते हैं? बिल्कुल है, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में। अनकंट्रोलेबल में ये है कि कुछ लोग, ऐसे लोग हैं, बहुत लोग होते हैं कि वो हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, या पता नहीं वो कैसा हमारे बारे में सोचते हैं, हमें नहीं पता। क्या हम उनकी सोच बदल सकते हैं? आप एक बार कोशिश कर लोगे, दो बार कोशिश कर लोगे, कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। तो आप उनकी सोच पे, आपकी जो आपका कंट्रोल है वो इनकी सोच पे आप नहीं चला सकते, मतलब आप इनकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक बार समझाओगे, दो बार समझाओगे, जिसको जो करना है वो वैसे ही करेगा। तो यहाँ पे आप किसी की, दूसरी की सोच पे अपना कंट्रोल नहीं चला सकते कि नहीं यार तू मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी है। आप किसी की सोच को या किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो
आप खुद को कर सकते हो, ये हो गया कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल जो आपके हाथ में नहीं है कि आप उस चीज को कंट्रोल कर पाओ, तो आपको क्या करना है, ठीक है भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है बहुत सिंपल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने खुद को ही एक तरह से खुद के ही खुद खुद को समझा लिया, और खुद को उस जो ये चीजें हो रही है उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसको फेस किया, फिर आगे बढ़ गए। ठीक है ना, यहाँ पे होता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ये है आपको कंट्रोलेबल। अब देखिए मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको समझाऊंगी। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केटिंग मिक्स आर रिलेटेड टू द मार्केट। ये जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये आउटसाइड द बिजनेस फर्म के फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट में है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है। ठीक है, देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से क्योंकि मार्केट फैक्टर्स हैं, इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, आल्सो नोन एज मार्केट फैक्टर्स। वही बात होगी ना, हम अपनी कंपनी के फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर के फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सके, नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटर्स के माइंड, कॉम्पिटिटर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू में ला सकते हैं, अपने नहीं ला सकते। उनके हिसाब से हमें चलना होगा, उनको समझना होगा कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें अपने जो मार्केटिंग मिक्स है, 4 P's है, उनको हमें चेंज करना होगा, उनको फ्लेक्सिबल रखना होगा। ठीक है, सुनिए, द फर्म एंड कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर्स बट दे अफेक्ट द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये हमारी कंपनी के जो हमने जो 4 P's डिसाइड किया उसको अफेक्ट कर रहा है। इसमें देखो कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।